नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जायसवाल। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं भारत के गौरव एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। 8 साल की उम्र से ही कलाम सुबह 4 बजे उठते थे, वहां से गणित पढ़ने के लिए निकल पड़ते थे। इसकी वजह ये बताते हैं कि उनके टीचर हर साल 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाते थे, लेकिन वो बिना नहाए आने वाले छात्रों को नहीं पढ़ाते थे। ट्यूशन से आने के बाद वो नमाज पढ़ते और इसके बाद वो सीधा सुबह 8 बजे तक रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर न्यूज़पेपर बांटते थे। कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे अपनी 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर को वजह बताते हैं। वे कहते हैं, वे हमारे अच्छे टीचर्स में से थे। एक बार उन्होंने क्लास में पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी छात्र ने इसका उत्तर नहीं दिया, तो अगले दिन वो सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए। वहां कई पक्षी उड़ रहे थे, कुछ समुद्र के किनारे उतर रहे थे और कुछ बैठे थे। वहां उन्होंने हमें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया जो उड़ने में सहायक होता है। उनके द्वारा समझाई गई ये बातें मेरे अंदर इस कदर समा गई कि मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के तट पर हूं, और उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊं। मैंने बाद में फिजिक्स की पढ़ाई की और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। आइए जाने उनके जीवन से जुड़े वो खास पहलू जो शायद आपको ना पता हो। देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का देश हमेशा आभारी रहेगा। 2020 तक भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध कर बनाने का सपना देखने वाले ये कर्मवीर योद्धा मरते दम तक देश के लिए काम करता रहा। आखिरी क्षणों में भी वो बच्चों को लेक्चर दे रहे थे। 1962 में कलाम इसरो में पहुंचे। इन्हीं के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते भारत ने अपना पहला स्वदेश उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल का डिजाइन किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाए। 1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री की रक्षा सलाहकार भी रहे। इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किए और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देश में भी शामिल हो गया। कलाम ने विजन 2020 दिया। इसके तहत कलाम ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की के जरिए 2020 तक अत्याधुनिक करने की खास सोच दी गई। कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में कलाम को DRDL डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया। उसी दौरान अन्ना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। कलाम ने तब रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VM अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का प्रस्ताव तैयार किया। स्वदेशी मिसाइलों के विकास के लिए कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इसके पहले चरण में जमीन से जमीन पर मध्यम दूरी तक मार करने वाले मिसाइल बनाने पर जोर था। दूसरे चरण में जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल और री एंट्री एक्सपेरिमेंट्री लॉन्च व्हीकल रेक्स बनाने का प्रस्ताव था। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग नाम के मिसाइल बनाए गए। कलाम ने अपने सपने रेक्स को अग्नि नाम दिया। सबसे पहले सितंबर 1985 में त्रिशूल, फिर फरवरी 1988 में पृथ्वी और मई 1989 में अग्नि का परीक्षण किया गया। इसके बाद भारत 1998 में रूस के साथ मिलकर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया और ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। ब्रह्मोस को धरती, आसमान और समुद्र कहीं भी दागा सकता था। इस सफलता के साथ ही कलाम को मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि मिली और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
कलाम। कलाम को 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के केवल तीसरे राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले यह मुकाम सर्वपल्ली राधाकृष्ण और जाकिर हुसैन ने हासिल किया था। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।